ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर मैं सोच समझ कर वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक टिक गया। किसकी सरकार थी 14 में बताइए जरा, अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे, हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया। हम आए फिर से, हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है। शरद पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मराठा रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना है तो किसकी सरकार लानी चाहिए? अरे जोर से बोलो, किसकी लानी चाहिए? भाइयों बहनों, कंफ्यूजन में मत रहिए। समाज के हर तबके को न्याय देने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे फैलाए जाते। अभी एक पुराना नोटिफिकेशन निकाल दिया, तारीख नहीं है, फैसला पुराना है। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया, मैंने पीयूष गोयल जी को फोन किया है, क्या हुआ? पीयूष गोयल जी ने कहा, साहब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, शरद पवार का निर्णय है। वो कह रहे हैं दूध का पाउडर इंपोर्ट होगा। कंफ्यूजन में मत आइए, वो सर्कुलर कर गए थे, 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर जाता हूं। चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहूंगा, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए, अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो, एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे, और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई, मैं बनिए का बेटा हूं, गारंटी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जरा जोर से बताइए, युति को जिताने के लिए जोर लगाएंगे? भाजपा का हर प्रत्याशी हमसे बढ़कर हम परिश्रम करेंगे? भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है
ये चुनाव का परिणाम उनकी भ्रांतियों का जवाब। एक बार महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड हम जीत लेते, ये राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। पूरे देश में जोम बढ़ने की जिम्मेदारी मेरे महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकर्ताओं में। आप मुझे बताओ भाई, पूरे देश को फिर से एक बार 14 से ज्यादा जोश में लाना है या नहीं लाना है? अरे जोर से बोलो, लाना है नहीं लाना है? इसका एकमात्र रास्ता है इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विजय, महाराष्ट्र में पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी भाइयों बहनों आपकी।